आप सब, आज मैं अपनी नवासी अनमोल के लिए कुछ डिजाइन किए हुए ड्रेस लेके आई हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत से कमेंट किए थे कि आंटी आप 4 से 5 साल तक के बच्चियों के कुछ डिजाइन दिखाएं कपड़ों के, तो मैंने सोचा क्यों ना जो मैंने डिजाइन किए हैं अनमोल के लिए वो क्यों ना आपके साथ शेयर किए जाए। तो एक एक करके मैं आपको ये डिजाइन दिखाती हूँ, बहुत ही सिंपल से है और आप आसानी इन्हें अपनी बेटियों के लिए बना सकती हैं। तो चलिए जी, मैं आपको आप पहला ड्रेस डिजाइन किया हुआ दिखाती हूँ। तो ये है जी शर्ट, ये कॉटन, इसका फैब्रिक जो है वो कॉटन में है और इसके ऊपर ये देखिए ये जो सारे डॉट है ये सारा आजकल ना पेंट का बहुत फैशन इन हुआ हुआ है और ये पेंट का सूट है और बहुत प्यारा लग रहा है। और ये देखे इसका गला, देखे मैंने ये कॉलर वाला इसका गला बनाया क्योंकि बच्चियों को थोड़ा बांध के लिए अच्छे लगते हैं। और इसके शोल्डर पे ही मैंने ये बटन लगा के ताकि आसानी से ये पहन सके, ये बटन लगाया टिच बटन लगा के, ऊपर मैंने फैंसी बटन लगा दिया ये देखे। और बेल बाजू बनाए हैं और इसके आगे ये देखिए मैंने बारीक बाजुओं के आगे भी बारीक फीता लगा दिया और इसके कॉलर पे भी, इसकी थोड़ी सी खूबसूरती के लिए इसके कॉलर पे भी सारा ये मैंने फीता लगा दिया। और इसके दामन पे ये छोटे छोटे टसल लगा दिए इसकी थोड़ी सी खूबसूरती के लिए कि बच्चियों को पहने हुए भी बहुत प्यारे लगते हैं। थोड़े से डिजाइन किए हुए कपड़े बच्चियों को बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए। और ये है जी इसका ट्राउजर, ट्राउजर बिल्कुल प्लेन है। अब मैं आपको इसका दूसरा ड्रेस दिखाती हूं। ये देखिए जी इसका दूसरा ड्रेस, इसका मैंने बनाया है जी फ्रॉक। आप उन दो सूटों की मैंने स्टिचिंग नहीं डाली डिजाइनिंग जो है, तो इसकी मैंने पूरी डिजाइनिंग अपनी स्टिचिंग डाल दी है। आप पहले इसकी वीडियो देखें।
आपने देख ली है, तो देखा है आपने कि कैसे मैंने फीतों के साथ ये लेसों के साथ इसका इसके गले को डिजाइन किया। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरा स्टिच किया हुआ ये डिजाइन कैसा लगा। और इसके बाजुओं के आगे ये देखिए मैंने ये डबल इलास्टिक डाल दिया। ये इसकी बैंड बनाई ऊपर, कॉलर बैंड लगाया और साथ इसके आगे ये बो लगा दिया छोटी सी ना, थोड़ी सी इसकी खूबसूरती के लिए ये मैंने आगे बो लगा दिया। और इसकी बैग जो है ये बटन टेक है इसकी बैग, और इसका ट्राउजर जो है ये देखिए इसका मैंने ये फ्रॉक बनाया, ये अम्ब्रेला फ्रॉक की शेप दी है इसे मैंने। इसका ट्राउजर भी देखें, ट्राउजर भी इसका मैंने बहुत खूबसूरत बनाया, ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये इसका ट्राउजर है। ये इसके बॉटम पे मैंने पहले ये बीच में पर्ल्स लगाया और साथ एक बो लगा दिया। यकीनन आप सबको ये ड्रेस तो बहुत ही पसंद आया होगा। अब मैं आपको दिखाती हूं अपना तीसरा ड्रेस स्टिच किया हुआ। तो ये है जी, ये प्लेन शर्ट बनाई है इसकी मैंने, ओपन शर्ट है जी ये देखिए, ये ओपन शर्ट है, इसके बीच में डोरी मगजी लगा के और इसके ऊपर सारे मैंने ये कलरफुल बटन लगा दिए इसके सेंटर में ना, जहां तक इसका कट खत्म हो रहा है वहां तक मैंने इसको बटन लगा दिए। और इसके भी जी बेल बाजू है, इसका राउंड गला बनाया। और ये है जी इसका ट्राउजर, ट्राउजर है जी चुनट वाला। ये देखिए इसका ट्राउजर, चुनट वाला ट्राउजर बनाया मैंने। इस तरह के बाजू भी बनते हैं, बाजू भी बने हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, और ये ट्राउजर भी पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। क्योंकि इसकी शर्ट सिंपल थी इसलिए मैंने इसको ट्राउजर को थोड़ी सी डिजाइनिंग दे दी है। अभी मजीद मेरी विंटर कलेक्शन आने वाली है, बहुत जल्द मैं अपनी विंटर कलेक्शन लेके आऊंगी। और अब मैं अकेली नहीं आऊंगी, अपनी बहुओं को भी साथ लेके आऊंगी, ताकि वो भी अपने जो जो उनके ड्रेस है वो अपने ड्रेस खुद दिखाएंगी। अब अगर आपने इससे भी छोटी बच्चियों के यानी के 2 साल की बच्ची हो या 3 साल की बच्ची के अगर आपने डिजाइन देखने हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देखें, जब अनमोल 2 साल की थी यानी कि जब से वो पैदा हुई है तब से ही मैं उसके कपड़े डिजाइन करती हूँ। वैसे तो बच्चे रेडीमेड कपड़े पहनते हैं लेकिन बाज़ुकात बच्चों को घरों में इस तरह के कपड़े भी पहनाए जाते हैं। तो अगर आपने डिजाइन मेरे देखने हैं बच्चियों के कपड़ों के तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके तो देख सकते हैं, मैंने बहुत ही खूबसूरत एक से भर के एक डिजाइन अनमोल के कपड़ों का बनाया हुआ है। तो आप मेरी पिछली वीडियो का विजिट करें, वहां जाके तो देखें मेरे बनाए हुए डिजाइन। मुझे आप लोगों के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि आप आंटी के बिल्कुल सिंपल शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना हमें बताएं। वो भी बेटे मैं पहले बता चुकी हूँ मेरी पिछली वीडियो में, बिल्कुल सिंपल शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना मैंने पहले बता दिया हुआ है। तो आप वहां जाए और जाके वहां से मेरी वीडियो देखे, और कोई मुश्किल नहीं है स्टिचिंग करना या कटिंग करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप देख के तो बआसानी अपने कपड़े सिलाई कर सकते हैं। अब आप ये सभी ड्रेस अनमोल को पहने हुए देखिएगा, क्योंकि कल अनमोल आ रही है नानों के घर, तो उसे मैं 1 by 1 करके तो सारे ड्रेस पहनाऊंगी। The next day. We'll be right back.
अगर आपको मेरे ये डिजाइन किए हुए अनमोल के कपड़े अच्छे लगे हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और स्टिच बाय आसवा के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मेरी वीडियो को होता है एंड। अल्लाह हाफिज।